नमस्कार। प्रोफेसर SVSS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। स्त्री सशक्तिकरण या वुमेन एम्पावरमेंट श्रृंखला में आज प्रभा केतन द्वारा रचित एक प्रमुख उपन्यास छिन्नमस्ता में प्रिया को केंद्र में रखकर आज स्त्री सशक्तिकरण से संबंधित और एक विषय पर मैं आपके साथ कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। इसका ये माना जाता है, जहाँ स्त्री विमर्श की बात करते हैं, आमतौर पर स्त्रियों को केंद्र में रखकर एक जमाने में स्त्री के प्रति सहानुभूति, अब वो सहानुभूति या चेतना वाला दौर अब समाप्त हो गया, अब सशक्तिकरण का, क्योंकि स्त्री अपने आपके अपने पैरों में खड़े होने की आवश्यकता ही नहीं, खड़े हो रही हैं। इसका जो चित्रण विभिन्न महिला लेखिकाओं के उपन्यासों में कैसे हुआ है, खासकर आज हम चर्चा करेंगे प्रभा केतन द्वारा रचित छिन्नमस्ता के ध्यान में रखकर करेंगे। आज की नारी अपनी शक्ति पहचान ली है, आज वो राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी निभा रही है, लेकिन यह संख्या अत्यल्प है। नारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए महान उत्तरदायित्व का निर्वाह उन प्रबुद्ध स्त्रियों को करना होगा जिन्होंने समाज में अपना विशिष्ट स्थान बनाने में सफलता प्राप्त की। स्त्री विमर्श स्त्री की शोषण से मुक्ति चाहता, ताकि वह स्वतंत्र ढंग से जी सके और सोच सके, वह पूर्ण स्वाधीन हो, समाज की निर्णायक शक्ति हो। कात्यायनी के अनुसार स्त्री विमर्श अथवा नारीवाद पुरुष व स्त्री के बीच नकारात्मक भेदभाव की जगह स्त्री के प्रति सकारात्मक पक्षपात की बात करता है। वस्तुतः इस रूप में देखा जाए तो स्त्री विमर्श अपने समय और समाज के जीवन की वास्तविकताओं तथा संभावनाओं की तलाश करने वाली दृष्टि है। स्त्री के बारे में क्षमा शर्मा कहती है कि 50 पुरुष 50 औरतों के साथ संबंध रखकर अच्छा कहला सकता है, स्त्री एक प्रेम करके भी चरित्रहीन कही जा सकती है। और अफसोस की बात यह है कि स्त्री की उस छवि को बनाने में ना धर्मशास्त्र पीछे है, ना ही साहित्य। अब छिन्नमस्ता से और छिन्नमस्ता और खासकर छिन्नमस्ता में मुख्य स्त्री पात्र प्रिया के द्वारा जिस प्रकार प्रभा केतन ने स्त्री सशक्तिकरण को जिस प्रकार चित्रित किया है, उसके बारे में अब हम देखेंगे। छिन्नमस्ता प्रभा केतन की सबसे प्रमुख उपन्यास है। इसमें प्रिया का चरित्र एक सशक्त संघर्षशील तथा सुधारवादी दृष्टिकोण से युक्त स्त्री के रूप में उभरी है। धनी मारवाड़ी परिवार में जन्मी प्रिया बचपन से ही उपेक्षा का शिकार हुई है। माँ बनने के बाद भी प्रिया की जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आया, मन बहलाने के लिए किया गया व्यापार ही उसकी आसरा बन जाती है, वह नई राह पर चल पड़ती है। बची जिंदगी अपनी इच्छानुरूप जीने के लिए सामाजिक बंधनों को तोड़ने की कोशिश करती है। उपेक्षित प्रिया को दाई माँ ने प्यार दुलार से पाला पोसा थी। दाई माँ एक ऐसी गोद थी जिसके सहारे प्रिया सारे दुख दर्द को बुलाने की प्रयास करती थी। प्रिया नई परिस्थितियों के कारण निरंतर टूटती है, बिखरती है, लेकिन हार नहीं मानती। वह पुरुष से तथा पुरुष प्रधान समाज से संघर्ष करके अपनी अस्मिता की रक्षा करती है, समाज में अपनी पहचान बनाने में सफल होती है। पीड़ा और त्रासदी से झुलसकर भी जिंदा है और सारी विरोधी परिस्थितियों से लड़ने के लिए उसमें हिम्मत और आत्मविश्वास है। यथा उनके शब्दों में देखिए, मैंने दुख झेला है, पीड़ा और त्रासदी में झुलसी हूँ। जिस दिन मैंने त्रासदी को ही अपने होने की शर्त समझ लिया, उसी दिन उस स्वीकृति के बाद मैंने खुद को एक बड़ी गैर जरूरी लड़ाई से बचा लिया। कुछ के प्रति यह मेरा समर्पण था। सारे जुल्मों के सामने सलीब पर लटकते मैंने पाया कि
मैं अब पूरी तरह जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हूं। इस प्रकार प्रिया हालातों से समझौता ना करते हुए भी एक सफल नारी के रूप में सामने आती है। भारतीय परंपरा में निरंतर स्त्री को प्रेम, समर्पण आदि महान बातों में फंसा कर घर में बिठाया गया है। उनके पति नरेंद्र भी प्रिया के समक्ष प्रेम, ईमानदारी, समर्पण की बात रखकर उसे चार दीवारी के अंदर कैद करना चाहता है। उन दिनों नरेंद्र और प्रिया का जो संवाद है वह अत्यधिक महत्व है, जो सदियों से इन शब्दों के सहारे किस प्रकार स्त्री की बलि चढ़ाई जाती है, इससे स्पष्ट हो सकता है कि और आज की जागृत स्त्री प्रिया इन सब के प्रति क्या विचार रखती है। यह भी स्पष्ट होता है नरेंद्र का कहना देखिए, यानी आपसी ईमानदारी, वफादारी, प्यार, समर्पण, यह सब कुछ नहीं। प्रिया के शब्दों में देखिए, कुछ नहीं, सच कहूं नरेंद्र, ये शब्द ब्रह्म है। औरत को यह सब इसलिए सिखाया जाता है कि वह इन शब्दों के चक्रव्यूह में कभी नहीं निकल पाए, ताकि युगों से चली आती आहुति की परंपरा को कायम रखे। प्रिया आधुनिक स्त्री की प्रतिनिधि है, जो गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए आतुर है और संघर्षरत है। प्रिया अपने व्यवहार में जो तरक्की कर रही है वह नरेंद्र को पसंद नहीं है। उनमें अहम की भावना है। पुरुष होने के नाते वह अपने को हर चीज की अधिकारी समझता है। ऐसे में पति पत्नी का जो पवित्र रिश्ता है वो मालिक गुलाम की तरह बन जाता है। नरेंद्र प्रिया की अवहेलना करता है। वो कहता है, प्रिया महत्वाकांक्षी है, जब स्त्री धन कमाने लगी तदा अपने पैरों में कड़े होने में समर्थ हुई तब पुरुष मानसिकता इसे सहन नहीं करता। प्रिया कहती है कि क्या महत्वाकांक्षी होना अपराध है? क्या तुम रुपये नहीं कमाते? दिन रात कान के पास फोन लगाए शेरों के भाव, इसको लिया, इसको बेचा, तुम्हें मेरे रुपये से क्यों जलन हो रही है? नरेंद्र, तुम साल में 1 करोड़ कमाते हो जबकि मैं 5 से 7 लाख। क्या तुम फिक्की के प्रेसिडेंट नहीं होना चाहते? क्या सभा सोसाइटी के मंच पर बैठकर गले में हार नहीं पहनते? महत्वाकांक्षी होना एक इंसान की हक है। पुरुष की महत्वाकांक्षी होने पर कोई सवाल नहीं करता, लेकिन जब एक स्त्री महत्वाकांक्षी बनकर अपने भाग्य खोजने के लिए आगे आती है तो उसे दबाने के लिए पुरुष सभी मोहरों को जुटाता है। यहां प्रिया के जरिए प्रभाकेतन ने यह बताने की कोशिश किया है कि प्रतीक्षा ही मनुष्य को जिंदा रखने में सहायक बनती है। यह उपन्यास एक अकेली सफल उद्योगकर्मी स्त्री के अतीत को प्रस्तुत करती है। चलते चलते एक लंबे सफर में वह एक पड़ाव पर आकर शिथिलता महसूस करती है और पीछे मुड़कर देखती है तो पाती है कि एक लंबा अतीत उलझा सा उसके साथ साथ चलता रहा है। उसके व्यक्तित्व की परछाई से उलझा उसका जीवन, उससे विरोधाभासी परिस्थितियों का उलझा सा बंडल प्रतीत होता है। यथा उनके शब्दों में देखिए, परिस्थितियों का प्रभाव मुझ पर पड़ा है और वापस मैंने अपनी जिंदगी की जरूरत के अनुसार नई परिस्थितियां गढ़ ली। कितना चमत्कृत करता है अपनी खुद की नीति का स्वीकार उस समय जब आपको लगता है कि अब आप परिस्थितियों के हाथ की कठपुतली मात्र नहीं है। उस विराट की प्रक्रिया में कैसे हमारे छोटे छोटे प्रयास मिलते चले जाते हैं, यह भाव ही हमें कितना बड़ा आत्मविश्वास देता है। प्रभाकेतन की नायिका अपने तकदीर बदलने की जिद में बहुत आगे निकल जाती है। प्रिया को संघर्षों ने जिद्दी बना दिया था। अपनी राह पर चलती हुई वो रिश्तों में सतहीपन और बनावट स्वीकार नहीं कर पाती। प्रसिद्ध उद्योगपति श्री सांवरलाल गुप्ता की हत्या की जाती है। उनकी लाश सोनागादी के बाथ हाउस में मिलती है। उसे भले आदमी पर इल्जाम लगाया जाता है कि उन्होंने आत्महत्या की है। इस तरह पति की मौत हो जाने पर
कस्तूरी बौखला उठती है। वे अचानक शेरनी जैसी गरजती गरजती हैं, नहीं वे मरे नहीं, उन्हें मार डाला गया। मेरा घर उजाड़ने वालों, तुम सब भी तड़प तड़प कर मरोगे। यहाँ पति की मृत्यु हो जाने पर पत्नी के विद्रोह रूप को दिखाया गया है। प्रिया को हमेशा अपनी माँ से दुत्कार सहनी पड़ी। दिखने में सांवली रंग प्रिया को माँ कभी प्यार ना कर सकी। अपने ही संतान के प्रति एक स्त्री कैसे उपेक्षा भाव स्वीकार कर सकते हैं, इसका सच्चा चित्रण यहाँ मिलता है। माँ हमेशा सरोज के लिए चिंतित है, उसकी शादी को लेकर कई सपने सजाते हैं, लेकिन प्रिया के लिए उसके मन में कोई आशंका नहीं, व्यथा भी नहीं। प्रिया के मन में विद्रोह का पहाड़ टूट पड़ता है। यथा सरोज के लिए तो कोई ना नहीं करेगा, पर यह प्रिया भगवान ही मालिक है, कौन ले जाएगा इसे। मेरा मन विद्रोह कर उठता है, ना ले जाए खंबक, कोई ना ले जाए, मुझे किसी की जरूरत नहीं। अब विद्रोही होती जा रही थी, वह विद्रोहिणी बनती जा रही थी, और इन विपरीत स्थितियों से संघर्ष करके आगे बढ़ने के लिए कोशिश भी करती है। कई साल बाद हवाई जहाज में असीम मिलते हैं, जो अपने कॉलेज के समय में प्रिया से प्यार करता था। असीम कहता है कि इंडिया टुडे में तुम्हारे बारे में पढ़ा, तुम हमेशा विद्रोहिणी रही हो। इस पर प्रिया कहती है कि असीम, विद्रोह की भाषा मैं भूल चुकी हूँ, मैं जिंदगी में क्रांति चाहती हूँ। मैंने अपनी जिंदगी की तारीख खाली पन्नों पर खुद लिखी हूँ। प्रिया को असीम की आंखों में वही पुरानी प्यास दिखती है, शायद वह उस सपने को प्यास को जिलाए रखा हुआ है, ऐसा प्रिया को लगता है। प्रिया के मन में उसके प्रति कोई कातरता उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि अब वह जिंदगी की चालों से परिचित है, जिंदगी की असली नकली चेहरों से वह अब वाकिफ है। बड़े भाई के बार बार बलात्कार करने से प्रिया के मन में घृणा का तूफान उठती, वह धीरे धीरे पुरुष जाति से नफरत करने लगती है। सार्वजनिक भूमिका में स्व को अर्जित करने में एक स्त्री को संघर्ष के जिस कठिन रास्ते पर चलना पड़ता है, वो पूर्ण रूप से प्रिया के माध्यम से दर्शाया गया है। आधुनिक हिंदी उपन्यासों में स्त्रीवादी लेखकों ने विभिन्न पात्रों के माध्यम से वर्तमान समाज में स्त्री के बारे में यथार्थ चित्रण किया है। इस प्रकार प्रभा केतान ने विरोधी परिस्थितियों से लड़ने वाली व जीवन को सुधारने वाली स्त्री के रूप में प्रिया के चरित्र का सफल चित्रण किया है। आप इस वीडियो देखने के बाद आप अपना विचार या प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद।